आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रहा है कि लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अपने पास रूट दे रखा है, यू एन इक्वल टू क्या दे रखा है, अल्फा की पावर एन प्लस टाइम्स बीटा की पावर एन, देन द दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है। ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हमें न्यूटन फॉर्मूला बताओ। यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स रूट टू एक्स माइनस टाइम्स एट इक्वल टू आगे किसके बराबर, जीरो के बराबर। इनके अपने पास कितने रूट्स, दो रूट्स, एक अल्फा और दूसरा बीटा, एक अल्फा और दूसरा अपने पास क्या है, बीटा के बराबर। जब ये अपने पास सिंबल देखे तो आपको हिंट कैसे है कि न्यूटन फॉर्मूला लगाने। यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करें, तो यू एन से, रूट टू एज इट इज इंटू एक्स को अपने पास किससे रिप्लेस करें, तो यू एन माइनस वन से, माइनस टाइम्स एट को, एट को अपने पास मल्टीप्लाइड वन, तो वन को अपने पास किससे रिप्लेस करें, तो यू एन माइनस टू से, इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर। ये आ गया अपने के पास न्यूटन फॉर्मूला लगाने के बाद। अब अपने पास यहाँ पर एन का वैल्यू क्या चिपका है बताइए, एन इक्वल टू अपने के पास, तो वो कौन बताएगा, ये बताएगा। तो एन इक्वल टू अपने पास देख लीजिए 10 चिपकाना पड़ेगा। तो बताइए जैसे एन 10 चिपका है, तो ये अपने पास क्या है, एन अपने पास कहाँ पर चिपका है, यहाँ पर 10 चिपका दीजिए। ये किस तरह आ जाएंगे, यू एट के बराबर प्लस टाइम्स अपने पास, सॉरी यू एट नहीं, 10 चिपका है तो यू 10 होएगा था, यू 10 प्लस टाइम्स रूट टू यू 9 के बराबर माइनस टाइम्स 8 यू किसके बराबर जाएंगे, तो 8 यू 8 के बराबर इक्वल टू आ गया जीरो के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए अपने पास नॉमिनेटर तो अपने पास ऐसे भी बन गया, तो अब अपने पास ये बनाने की कोशिश कीजिए, तो यू 10 प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास रूट टू यू 9 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 8 यू 8 के बराबर, हाँ है ना, इधर आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे यू 10 प्लस टाइम्स रूट टू यू 9 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, तो 2 यू 8 के बराबर, 2 यू 8 इक्वल टू अपने पास इधर भी डिवाइड कर देते हैं, 2 यू 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 यू 8 से जैसे ही डिवाइड करेंगे अपने के पास गया ये और ये गया, ये अपने पास कितना टाइम, तो 4 टाइम, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, 4 के बराबर। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, आंसर आ गया इसके कितना, 4 के बराबर। तो काफी ज्यादा सिंपल और आसान क्वेश्चन था। तो ये थे अपने का जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और न्यूटन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंडिशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।